मीरा की एक बहुत पॉपुलर पोएम है, आई एम वेरी इंट्रीग्ड बाय हर राइटिंग, उनमें से कुछ करना चाहता था कंटेम्प्रेरी फैशन में। मीरा प्यार के लिए जानी जाती थी, उनका जो अनकंडीशनल प्यार था कृष्णा जी के लिए, पूरा गाना इज अबाउट दिस मैड लव। Harshdeep is already known for a very strong Sufi leaning, you know, unki singing mein ek Sufism jhalakta hai. Despite her young age, her voice has a very aged quality. Uski awaaz mein wo weight hai jo mujhe in words ke liye chahiye. Ye bahut passionate lyrics hai about love, jo aap उस कॉन्टेक्स्ट से निकाल कर भी अगर सुने मीरा के कॉन्टेक्स्ट से, कि एक लड़की आज के टाइम में अगर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उसे कभी हुई हो, तो ये लिरिक्स उसको भी रिफ्लेक्ट करते हैं। पर अगर वो आज के टाइम में है तो मैं उसको कैसा ट्रीटमेंट दूंगा कि वो आज के टाइम का लगे, तो वो अप्रोच थी मेरी इस गाने को लेकर। दिस पार्ट नो, इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स गो मोर was more I'm just playing it right now. Green Day. Though it's supposed to be something like a bhajan, we have taken the song into a different journey altogether. And the way it's sounding, it's got guitars, it's got ambient stuff, it's got like, you know, innocent parts, me and Sanjay playing things together. It's really exciting. Hitesh has given us a brief saying that it's gonna be a complete like a rock metal song. So when we were saying, okay, it's a bhajan, you know, it's sometimes quite tricky to do something crazy on a something like a bhajan or something. जो मेरा भजन होते हैं वो usually they are typical devotional compositions, very भजन स्टाइल में कंपोज किए जाते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम एवर सिंगिंग अ मीरा भजन, बट इट्स इन अ रॉक स्टाइल, सो यू कैन कॉल इट अ डिवोशनल रॉक सॉन्ग। जो थॉट प्रोसेस हुआ होगा मीरा का ये लिखते वक्त, वो थॉट प्रोसेस सिर्फ भजन के ही फैशन में कहना ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ये भी भजन है, जहाँ आप ऊपर वाले को या भगवान को याद कर, तो उसको याद करने के अनगिनत तरीके हैं। In the end there's again a very soft portion. The music is softened and there's only the voice and the lyrics, और उस पार्ट में जो लिरिक्स की अहमियत है वो सबसे ज़्यादा ऊपर उठ के आती है, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट। इट वॉज अ डिफिकल्ट सॉन्ग, क्योंकि वेन वी हैव टू वोकलिस्ट अपने आप वी हैव द एडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग अटेंशन and that colors up a song. तो उसमें हम वो कैसे अचीव कर पाएंगे कि कहीं भी इंटरेस्ट ड्रॉप ना हो, वो सस्टेन रहे। लेकिन जैसे ट्रैक बढ़ता गया है और जैसे सबका उसमें इनपुट आते गए, आई एम क्वाइट हैप्पी।